पब्लिक को वही पसंद है, हमारे फैंस को यही पसंद है। हमसे चाहते यही है कि हम रुलाएं लोगों को, तो हम खुद भी रोते हैं, लोगों को भी रुलाते हैं, बस और मजा आता है लोगों को रोने में हमारे साथ। रोमांस हो जाता है, मतलब सब कुछ हो जाता है, लेकिन एक हंसाना लोगों को और लोगों को रुलाना ये बहुत डिफिकल्ट है, और हमें लगता है कि हम रुलाने में थोड़े से एक्सपर्ट हैं। तो एक्सपर्ट हम बन गए, रुला के गए इश्क में, करते करते हम एक्सपर्ट बन गए, हमारी आंखें सूख जाती थी। हम उसमें बहुत रोते थे, फिर भी कम रोए, इसमें उल्टा ज्यादा रोए, बहुत रोए, लेकिन हम अभी प्रैक्टिस हो गई तो वन टेक करते थे। हमें काफ़ी डांट पड़ती थी, हम टिकटॉक बनाने लग जाते थे, हम वीडियोस बनाने लग जाते थे शॉर्ट्स के बीच में, और तो फिर हमें ऐसा झूठ बोलना पड़ता था कि विशाल सुसु क्या था। तो वे सच्चाई बाहर आ गई, यार तू वीडियोस मत बना वहाँ पे, आ जा। और उनको पता कब चलता था, जब हमारी वीडियोस लाइव होती थी, जब हम पोस्ट करते थे तब उनको पता चलता था, ओ इस कॉस्ट्यूम में वीडियो लाइव है, मतलब ये वीडियो बना रहे थे। कांड तो खैर बहुत हुए हैं हमारे शूट पे, ऐसे ऐसे कांड जो पता है हम खोल भी नहीं सकते, शायद बोल भी नहीं सकते आप, इंटरनेशनल कांड है। मैं आपको ये बता सकती हूँ बस कि जो हमारा दो दिन का शूट था वो हमने एक दिन में निपटाया है, वो कुछ कांड हुआ था वो नहीं बता सकते। इतना बड़ा कांड आपको बता सकता हूँ कि हमारा एक दिन शायद वेस्ट हो गया था। अब हमारा दो दिन एक्चुअली शूट करके भी वेस्ट हो गया था, करने के बावजूद भी, तो सोचो क्या रीजंस थे। तो हमने ये पूरा गाना एक्चुअली मतलब रुला के गया इसके साथ भी यही हुआ था, और तू भी रोएगा के साथ भी यही हुआ है। हमारा गाना ये हमें ऐसा लगा कि ये किसकी नजर लग गई हमें, तो हमने पूरा दिन शूट करने के बाद हमें जो फुटेजेस नहीं मिली। सॉरी, आई थिंक आपका वो लकी चार्म हो गया, एक दिन में करो नजर में तो चाहिए ही होता है। एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो आज हम लोग रूबरू तो फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, बट ऑफ कोर्स हु डजंट नो दीज गाइज, इन्होंने इतनी धूम मचा रखी है पहले ही, एंड व्हेन आई गॉट टू नो कि ये लोग पे पिक्चराइज होने वाला है गाना, तो मुझे पता था कि इट्स गोना बी अ ह्यूज हिट, और सब लोग ऑलरेडी इतना प्यार करते हैं, और आप देख ही रहे कि अभी इतना अच्छा रिस्पॉन्स जो एक ही दिन में मिला है, इट्स अनबिलीवेबल। कितने व्यूज हो गए वैसे, बाय द वे चेक करो, बोलना चाहूंगा मैं ज्योतिका का बहुत बड़ा फैन रह चुका हूं सारे गामा पा के टाइम से मैंने। अरे आपको पता नहीं होगा, मुझे पता है एक फैक्ट, ये 17 लैंग्वेज में गाती है। जिसमें उन्होंने अरबिक में गाया है, lots of love to you all yaar, thank you so much, aap log ko tarakki mile, I miss Ramji paaji yaar, ha I think Kyukin has been our lucky charm. हमें बच्चा मानते हैं अपना, और बच्चा मानते हैं, मतलब हम बच्चे ही होंगे, हम लोग spoil kids हैं, हमारी हर डिमांड पूरी करते हैं लोग, और कई बार नहीं भी चाहते तो भी करनी पड़ती है। तो बस हमें बहुत अपना क्योंकि मैं आने के मतलब क्योंकि हमारा लकी चार्म रहा है, और क्योंकि मैं आने के बाद आई थिंक हमने ज्यादा मेहनत करना स्टार्ट करा है, आई बी वेरी फ्रैंक, बस अब यही है, हमसे हमेशा कभी लगता नहीं है कंपनी है, हमेशा लगता है फैमिली हमारी, और हम साथ में ट्रिप्स करते हैं, साथ में चिल करते हैं, जैसे फैमिली मोटिवेट करती है वैसे हमें हमारी कंपनी भी मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए। अमन सर सागर सर, लाइक होल टीम ऑफ क्योंकि एवरीवन, तब मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, मैजिक टीम से लेके ऑनबोर्डिंग से सीईओ से डायरेक्टर्स से सब हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। सारे लोग प्रमोट कर रहे हैं, सबको गाना अच्छा लगा, अब टीम 07 आधे लोग प्रमोट कर चुके, आधे लोग अभी कर देंगे जब मैसेजेस देख लेंगे, आके स्वाइप अप डाल देंगे, सॉन्ग देख लेंगे वैसे ही कर देंगे। तो आई एम वेरी हैप्पी कि इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी में इतनी यूनिटी है कि किसी का भी गाना आए कंपटीशन नहीं मानते, दिल खोल के प्रमोट करते हैं, क्योंकि हमने भी लोगों के लिए किया है, ऐसा है कि हमने भी इतना करा है, तो आई गेस वो एक फर्ज बनता है। और सबसे पहली बात कि अगर इन्फ्लुएंसर दूसरे इन्फ्लुएंसर को सपोर्ट नहीं करेगा तो ये कम्युनिटी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। हाँ, आई थिंक कि हमने किया है या उन्होंने किया इसकी बात ही नहीं है, आई थिंक कि हमारी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है कि अगर करते ही करते हैं। सच बताना चाहता हूँ, ये इन्फ्लुएंसर्स को म्यूजिक वीडियोस क्यों मिलते हैं, क्योंकि इसीलिए क्योंकि आँख बंद करके सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और सब लोग प्रमोट करते हैं। अब ऑडिशंस होके एक्टर्स को क्यों नहीं मिल रहे, हमें विदाउट ऑडिशंस हमें कॉल आ जाते हैं कि आपको ये पार्ट के लिए चाहिए हमें ये वो, तो वेरी यही है क्योंकि अब सीधा प्रमोट हो जाता है और अपने मुमिया मिट्टू इसलिए मैं चुप हो गया। आई गेस कंसेप्ट पता है हमने साथ में बैठ के बनाया, डिस्कस किया हम लोगों ने, क्योंकि हम तीन तिगाड़ा ऐसा हमेशा सोचते हैं
क्योंकि फैंस हमसे हमेशा क्वालिटी कंटेंट एक्सपेक्ट करते हैं, तो हम सोचते हैं कि ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं करेंगे जिसमें क्वालिटी ना हो, इसलिए कंटेंट हम खुद बनाने में ज्यादा। और सबसे बड़ी बात ये कि रामजी पाजी जो है वो हमें खुला हाथ देते हैं कि हम लोग कर सके, हम लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सके कि हमें क्या कॉन्सेप्ट चाहिए, हमें प्रॉपर लिबर्टी मिलती है। यू डोंट फाइंड डायरेक्टर्स लाइक दैट जो ऐसे आप पे ब्लाइंड बिलीव करते हैं और आप कहते हैं कि आप बनाओ और आई ट्रस्ट। अगर अभी रामजी पाजी साहब पूछोगे कि हमें शॉर्ट में क्या करना है, यू गाइस डिसाइड। हां मुझे व्हाटएवर यू गाइस वांट टू डू मैं डायरेक्ट करूंगा, बाकी आप करना है। क्रिएटिव क्रिएटिव चीज जो है वो हमारे ऊपर छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा बिलीव है हम पे कि हम भी उतने ज्यादा बेचना चाहते हैं। एंड आई होप कि हम उनके एक्सपेक्टेशंस से खड़े उतरे। मुझे आज ही कॉल आया था वैसे एंड ही इज वेरी हैप्पी क्योंकि रामजी पाजी ने कहा मुझे कि उनका एक सपना था कि तीन तिगाड़ा को उन्हें एक बार नंबर वन ट्रेंडिंग पे देखना है, वो पूरा हो गया, तो इज वेरी हैप्पी। और हमारा भी एक सपना था, मैंने हमने हम नंबर टू तक आके एक बार चले गए थे, नंबर टू तक आके हम निकले थे तो लाके गया इश्क के टाइम, तो बहुत बुरा लगा था, तो इस बार नंबर वन पे आ गए, बस फैंस का प्यार है। रुला के गया, अगर टू तक पहुंच के यहाँ तक आए तो ये वन तक पहुंच के कहाँ तक जाएगा। आई होप देखते हैं अभी भगवान कहाँ तक ले जाता है। अब रुला के गया के बाद स्टेबिन हर कॉन्सर्ट में रुला के गया गाता है, आई होप अब हर कॉन्सर्ट में ज्योति गाएगी। नहीं सकता कि इसके बिना पूरा हो जाए कोई शो, क्योंकि मुझे पता है कि रिक्वेस्ट आने वाले आगे। अरे श्योर, लेट्स साथ में करते हैं। मैंने इश्क किया तुझे सोने तूने लिए जुदाई वे, मैंने दी है तुझे दुनिया वे, तूने दी है तन्हाई वे, तूने दर्द दिए है इतने अंबर पे सितारे जितने, जग जग के रातों में मेरी तरह आँखों में माही, आंसुओं के धागे तू पिरोएगा, तू भी रोएगा माही, तू भी रोएगा मेरी तरह, तू भी एक दिन किसी को खोएगा। सुर की जरूरत होती है कौन से सुर पे आपको परफॉर्म करना है, तो एक आर्टिस्ट को सुर का ज्ञान नहीं है तो बहुत खुशी की इतने सुरीले आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया है। थैंक यू। हमारा गाना टिकटॉक पे भी आज बहुत अच्छा चला है। मैं देख रही थी मेरी फ्रेंड्स है जो भी आसपास हम लोग जब गाना सुन रहे थे, दे वर स्क्रॉलिंग टिकटॉक, तो टिकटॉक अपने आप ही मतलब वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि दो चार वीडियोस के बाद देयर इज दिस सॉन्ग, सो इट फील्स सो मच, मतलब ऑनर वाली बात है, बहुत अच्छा लगता है। तो ऑब्वियसली सही है, थैंक यू, वेरी हैप्पी मोमेंट। ओके, आखिर में आपकी जो फ्रेंड्स थे आपने जिनको सपोर्ट किया था बिग बॉस में, वो जीत हमने बोला था, हमने एक पार्टी में आके बोला था कि एक दो तीन चार पाँच छः सात, आई एम वेरी हैप्पी। मैं तो उनके कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा फैन हूँ सिद्धार्थ शुक्ला के, तो आई एम हैप्पी कि वो जीते। पर ऐसा था कि हम आसिम रियाज में आसिम और सिद्धार्थ में से कोई भी जीतता तो हम बहुत खुश होते थे, बट सिद्धार्थ बहुत पावरफुल थे तो मुझे लगता है उन्हीं को ही जीतना चाहिए। चलो।